करने की कोशिश करेंगे अभी नेक्स्ट 15-20 दिन में क्या हुआ है, ठीक है, 15-20 दिन में एग्जाम के लिए क्या क्या हुआ है। ऐसा तो बहुत कुछ हुआ है, वॉर तो चल ही रहा है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसके बाद इसराइल और हमास का, ठीक है ना, उसके बाद बहुत सारे यूएन का रेजोल्यूशन आया, किसके किसके बीच, इसराइल और पैलेस्टीन वाला, उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया है, इसराइल और हमास में इंडिया ने इसराइल का साथ दिया है, ठीक है ना, तो बहुत सारा चीजें डेवलपमेंट हो रही है, ठीक। उसके बाद क्या पता चल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। आप लोग खुद विटनेस कर रहे होंगे अभी के टाइम में दीपावली के आसपास या फिर नवंबर में इतने ज्यादा ठंडी होती थी कि हम लोग को स्वेटर पहनना रहता था, लेकिन क्या आप लोग स्वेटर पहने नहीं, तो क्या क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा रियलिटी है। बहुत साल बाद क्या हुआ है, रेगिस्तान में पानी गिरा है, क्या हुआ है, बहुत साल बाद रेगिस्तान में पानी गिरा है, कहाँ पे, दुबई वगैरह के आसपास, बहुत साल के बाद जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी गिरता था, जंगल था, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है वर्ल्ड में, ठीक है, अमेजन, ठीक है ना, वहां पे कुछ जगह पे ड्रॉट हुए। तो ये क्या बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज इस टाइप का चेंज हो रहा है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अभी सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई कंसर्न है तो क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद टेररिज्म आता है, ठीक है ना, क्योंकि टेररिज्म हो गया, जितना भी आइडियोलॉजिकल जो चीजें हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल बोल सकते हो या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरल, ठीक है। 2 साल पहले क्या हुआ था, हुआ क्या था, कोविड हुआ था, पूरा चीजें चेंज हो गई, तो सारे कुछ चीज चल रही है। इंडिया में जो चल रहा है क्या है, वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है, ठीक है ना, अब खत्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली आप सबका हार्ट ब्रोक हो गया, ठीक है ना, हम चाहते थे कि ये वर्ल्ड कप हम जीते, बट अनफॉर्चुनेटली कौन जीत गया, एक तो मोदी जी भी देखने आए थे, इतना कीमती समय लेके, ठीक है ना, हमको भी बहुत बुरा लगा, सबको बुरा लगा, बट एक चीज पता चला कि एक कंसिस्टेंट प्लेयर है इंडिया में आज भी, उसका नाम विराट कोहली है, उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, और उन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन तोड़ा है, जो बहुत सारे माइलस्टोन तोड़ा है, मतलब क्या कि विराट कोहली एक ऐसे पर्सनालिटी है जो जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, मतलब एक किंग कोहली था, ठीक है, एक जब कैप्टन था, कैप्टन से उसका जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद कैप्टनसी जाने के बाद भी वो अपना परफॉर्मेंस जारी रखा है, और ये बहुत बढ़िया एक स्पोर्ट स्पिरिट होता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी शिप का कैप्टन रहते हो या किसी टीम का कैप्टन रहते हो, अचानक क्या हो जाता है कि आपका टीम मेंबर्स प्लस मैनेजमेंट नहीं चाहता, तो फिर क्या है कि आप नहीं बन पाते, उसके बाद उस टीम में रह के आपको परफॉर्म करना, बहुत से साइकोलॉजिकल बैरियर भी पार करना पड़ता है। तो फिर एक मतलब एक किसका है कोट पता नहीं, लेकिन बेहतरीन कोट लिखा है, व्हाई टू बी अ किंग व्हेन यू कैन बिकम अ गॉड, ठीक है ना, किंग क्यों बन, जब आप भगवान बन सकते हो, तो क्या है आप क्या कि भगवान, क्रिकेट के भगवान कौन, सचिन तेंदुलकर, उनका भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कि नेक्स्ट टू द गॉड पहुंच रहे हैं, न्यू गॉड भी बन सकते हैं, देखते हैं क्या होगा, कल अच्छे से पढ़ लेंगे जो, या फिर नेक्स्ट के करंट अफेयर में हम लोग बताएंगे कि वर्ल्ड कप का कौन सा माइलस्टोन है, क्या हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, जो लास्ट जो 15-16 दिन हुआ है, ठीक है ना, जो छुट्टी में थे जनरली, उतना टाइम क्या क्या हुआ पढ़ लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फॉर्मेट में है, अब देखते हैं, व्हिच स्टेट इज होस्टिंग 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, अब कोई कुछ कोई पेपर पढ़ा होगा तो, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा स्टेट है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होस्ट किया, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो इसको लिख ले रहा हो, आंसर है हरियाणा, ठीक है ना, जो आपका फरीदाबाद हरियाणा में 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पे हुआ है, फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा, ठीक है, और उसका थीम क्या है ये भी थोड़ा सा जान ले लो, छोटा छोटा क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, थीम क्या था, थीम को भी लिख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, अमृतकाल क्या होता है, हम लोग अभी क्या बना रहे थे, हर जगह पर क्या लिखा था, आजादी का अमृत महोत्सव, उसका 75 ईयर का हम लोग इंडिपेंडेंस बना रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनका एक विजन है क्या, डेवलप कंट्री बनने का, कब, जब हम लोग 100 ईयर हो जाए तो उनका सपना है कि हम लोग एक डेवलप कंट्री बने, तो जो 25 ईयर का जो अभी का जो जर्नी है, जो हम लोग वर्क करेंगे
उसको अमृत कल कहा गया। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट शब्द तो चेंज नहीं होगा ना, तो आपको तो पता रहना चाहिए, दिमाग में बैक शॉट रहना, अमृत काल कहीं भी बोले तो नेक्स्ट 25 ईयर जो होने वाला है, ठीक है ना, उसको हम लोग अमृत काल बोल रहे हैं। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है मोदी जी के साथ हम लोगों को, हमको भी तो करना ही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एन संकार, ये एक व्यक्ति का नाम है। मैं इस क्वेश्चन को बस इसलिए रखा था कि आपको जो पर्सनालिटी जो क्वेश्चन होता है, पर्सनालिटी लेवल का जो क्वेश्चन आता है, पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, एक पर्सनालिटी का नाम लिखा होगा, उसके बाद बोलेगा कि रिसेंटली न्यूज में था, या फिर रिसेंटली पास अवे हो गया, या फिर ये इस चीज के लिए फेमस था, तो कौन किस चीज के लिए, किसके साथ वो कौन से प्रोफेशन से एसोसिएट था, तो ये आपका जो एसोसिएट है ये पॉलिटिक्स से। मैं बस क्वेश्चन का फॉर्मेट जानने के लिए क्वेश्चन रखा हूँ, कि आपको जो क्वेश्चन एनडीए या फिर जो यूपीएससी में क्या आ सकता है, कोई पर्सनालिटी दे देगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना, वो कुछ कंट्रीब्यूट किया रहेगा, तो उसके लिए, तो ये किसके, पॉलिटिक्स से, ये एक पार्टी से बिलोंग करते थे, उस पार्टी का नाम है सीपीआई, क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, सीपीआई, ठीक है। आप जनरली जानते होंगे क्या, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नाम जानते होंगे, ठीक है, आईएनसी जानते होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पता रहना चाहिए, दूसरा बीजेपी पता होना चाहिए, बीजेपी क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी। एक चीज और आता होगा, ये क्या है, अभी किसका गवर्नमेंट चल रहा है, एनडीए का चल रहा है, एक यूपीए भी सुने होंगे, दूसरा एनडीए भी सुने होंगे, आईएनसी जब उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो बहुत सारे छोटी पार्टी लोग के साथ वो गठबंधन करती है, कोएलिशन करती है और सरकार चलाती है। तो लास्ट जो पुराना जो सरकार चल रहा था 2004 से 2009, ठीक है ना, या फिर 2014 तक, वो क्या है, कांग्रेस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे, लेकिन उसके साथ कौन सा, उसके सहयोगी भी दल थे, ठीक है ना, कुछ सहयोगी दल थे, ठीक है ना, वो यूपीए के अंदर आते थे, यूपीए का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वैसे बीजेपी के साथ जब इंडिया पहले जो था शिवसेना भी था, वैसे बहुत सारे जो बीजेपी के साथ सहयोगी दल थे उसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। तो ये आपको बेसिक एब्रिविएशन पता रहना चाहिए, क्या क्या पता रहना चाहिए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फॉर एग्जाम्पल अगले साल क्या है, चुनाव है, ठीक है, अगले साल चुनाव है और बीजेपी बहुमत लेके नहीं आती, मतलब मेजोरिटी सीट लेके नहीं आती, ठीक है, 550 का सीट है, 550 का, ठीक है ना, इसका आधा कितना हो गया, 225, ठीक है, अगर 225 से ये मेजॉरिटी उससे अगर ज्यादा नहीं ले पाती तो क्या करेगा बीजेपी, किसी लोग को सहयोग मांगेगा कि हमारे साथ आ जाओ, ठीक है ना, और वो लोग मिलके, हाँ 275 चाहिए आपने को, ठीक है, 275 चाहिए, अगर 275 से कम अगर बीजेपी अकेला लेके आती है तो क्या करेगा, सहयोग मांगेगा, किसको मांगेगा, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश बाबू को मांगेगा, या तो फिर एक जो छोटा छोटा एब्रिविएशन बोल रहा हूँ उसको लिख ले रहा हूँ, जेडीयू से मांगेगा, जनता दल यूनाइटेड, या तो फिर बीजू जनता दल बीजेडी से मांगेगा, बीजेडी, बीजू जनता दल कहाँ पे राज करता है, बीजेडी कहाँ पे राज करता है, ठीक, नवीन बाबू कहाँ तक चीफ मिनिस्टर है, नवीन पटनायक ओडिशा का, बीजेडी उड़ीसा का, जेडीयू किसका है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू, ठीक है, ममता बनर्जी का कौन सा पार्टी है, एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या कि पॉलिटिकल पार्टी के बस नाम पता रहना चाहिए, क्या ममता दीदी का कौन सा पार्टी है, हाँ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ठीक है, नीचे में जो उनका क्या होता है, नीचे में जो अभी जो पावर में है स्टालिन जिसका मुख्यमंत्री है, कौन सा पार्टी का है, सर बीजेपी, तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री है उसका नाम स्टालिन है, वो उसका पार्टी का नाम क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, जीके टाइप का क्वेश्चन है, इस लेवल इस मतलब इतना तो यूपीएससी नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को पता रहना चाहिए, डीएमके बोलते हैं, ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रो नॉलेज आपको पता चल गया एक क्वेश्चन के बदले, नेक्स्ट
स्टॉप गेट स्पेंडिंग बिल, एक कुछ बिल है कंट्रोल, मतलब वो हमेशा रहता है कि कहां 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 का है, न्यूज में जो रहता है स्टॉप गेट स्पेंडिंग बिल, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है अमेरिकन, जब हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब बजट वाला चीज आएगा तो इंडियन बजट सिस्टम कैसे है, अमेरिका का सरकार कैसे चलता है, कैसे फाइनेंस चलता है, ठीक है, वहां पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्टॉप गेट स्पेंडिंग बिल है वो अमेरिका का है। अमेरिका का क्या है कि अमेरिका में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, कई बार क्या है कि अभी जब संसद चलेगा वहां पे कांग्रेस बोलते हैं, वहां का जो जैसे हम लोग के देश का क्या है पार्लियामेंट, तो अमेरिका का क्या है कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग के पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बजट बनता है, वैसे वहां पे कांग्रेस में बनता है, ठीक है, कांग्रेस में बनता है। तो ये स्टॉप गेट जो बिल है वो अमेरिकन क्या बोलते हैं अमेरिकन सरकार को कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए जो पैसा पास करने के लिए रहता है, क्योंकि पूरा सरकार हॉलीडे पे जाता है, क्रिसमस का एकदम मस्त मनाते हैं, क्रिसमस जो वेस्टर्न कंट्री में बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरा गवर्नमेंट मनाते हैं। इसी कारण अभी दो चार दिन पहले किसी सीईओ ने, इंडिया के सीईओ ने बोला था, जब क्रिसमस मनाते हैं अमेरिका वाले या फिर वेस्टर्न, पूरा एकदम पूरा एक हॉलीडे वीकेंड के साथ देते हैं, अच्छा खासा सरकार भी ऐसे रहता है, तो बोला जाता है कि दीपावली में भी इस टाइप का होना चाहिए, आ सकता है तो पूरा ओकेशन होना चाहिए। फॉर्चुनेटली इस बार तो हम लोग को मिल गया, ठीक है, लेकिन इतना नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो, हाँ नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आता है, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये यूपीएससी एनटीए सीडीएस के लेवल का क्वेश्चन इस टाइप का। तो उसके बाद आपको क्या है, जब देखोगे क्वेश्चन को क्या लगेगा कि चार चार एब्रीवेशन क्या है, यूएनईपी एफएओ डब्ल्यूएमओ सीपीसीबी, ठीक है। तो आपको जब हम लोग जब मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा तब ये समझ में आएगा कि ये भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। यानी कि आपको क्या बोल रहा है यूपीएससी वाले कि एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े संस्था है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, उन लोग के बारे में जानो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं ये बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है, आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एनी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मेट्रोलॉजी की बात करते हैं, मेट्रोलॉजी की क्या होता है, मेट्रोलॉजी क्या होता है कि नई पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कि चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, कब आएगा, ठीक है, ये सब चीज का जो नेचुरल जो कैलामिटी बोल सकते हैं और नेचुरल प्रोसेस का फिनोमेना को ये प्रिडिक्ट करते हैं और उसका प्रिपरेशन भी कराते हैं कि अगर आएगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये इसको बता सकते हो, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, नहीं बता पाऊंगा, रवांडा प्लान इंटरनेशनल रिलेशन में जाना पड़ेगा। चलो ये बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, बताओ कि झारखंड वाज फॉर्म एज अ 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर, झारखंड कब बना, इंडिया का लेटेस्ट स्टेट कौन सा है जो सबसे पहले अभी बना है, इंडिया का लेटेस्ट स्टेट कौन सा स्टेट है, तेलंगाना, बना कब तेलंगाना, डेट कब बना है 2000, तेलंगाना कब आया, अरे अपना एक बार तब कितने स्टेट है और कितने यूटीज है, किसको किसको पता, हाँ सर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी, और कोई कितना है? इंडिया में कितने स्टेट है 28 और यूटी कितने है? सर 8 कल पूरा लिख के आना, 28 स्टेट और 8 यूनिट यूटीज, ठीक है। तो लेटेस्ट 2014 में कौन बना है, तेलंगाना, और उससे पहले कौन बना था, कौन सा तीन स्टेट बने थे, हाँ छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा स्टेट था, इतना बेसिक तो पता रहना चाहिए, नहीं तो तुरंत बगाएगा,
छत्तीसगढ़, झारखंड, यूनाइटेड किंगडम, हम लोग को आजाद जो जिससे कि वही बनाए थे हम लोग, उत्तराखंड, ठीक है। तो तीन स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है। तो 20 कब बने थे ये तीनों स्टेट? 2000। छत्तीसगढ़ का जन्मदिन कब है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, और लेटेस्ट स्टेट हम लोग का क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। एक यहाँ पे फिर से एक नया क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये न्यूज में थे, ये एक न्यूज में था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक, ठीक है ना। अभी तो बढ़िया दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म दिख रहा है, कभी क्वेश्चन में एपेक बस लिखा रहेगा, तो एपेक का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कुछ नहीं है, जो एशिया और पैसिफिक, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं, ठीक, इन लोग का एक ग्रुप है, ठीक है ना। पैसिफिक मतलब एक कौन सा है? ये पैसिफिक ओशन, और ये कौन सा है? एशिया है इधर, ठीक है। एशिया पैसिफिक हो गया, तो यहां से पे जितना कंट्री है ना उसको एशिया पैसिफिक बोलते हैं, अराउंड 12-13 कंट्री प्लस है, ठीक है। इंडिया एपेक का, एपेक का पार्ट है क्या? बस आपको क्या पता रहना चाहिए, इंडिया एपेक का कोई पार्ट नहीं, बनना चाहता है लेकिन है नहीं फिलहाल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ था, उसका मीटिंग समिट कहाँ पे हुआ है? बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि उसमें जो उस कंट्री का होस्ट कंट्री ने दूसरे जो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया का नेबर, उसको क्या बोल दिया, उसका जो जो प्रेसिडेंट है उसको क्या बोल दिया था? डिक्टेटर बोल दिया था, इज अ डिक्टेटर, जी 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 को। ये जी कौन है? ठीक है। और इसको इसको डिक्टेटर कौन बोला? कौन से कंट्री में? यूएसए। यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन, ठीक है। तो जो बाइडन ने क्या बोला, जैसे इन लोग का हुआ समिट हुआ, फिर क्या बोल दिया, ये तो डिक्टेटर है, क्यों बोला? अमेरिका के नजर से चाइना क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल है, कोई फ्रीडम नहीं है वहां पे। तो क्या हुआ कि उनका जो पूरा प्रोसेस रहता है, एक टाइप का डिक्टेटरशिप का है, कि डिक्टेटरशिप का मतलब क्या, जो तुम डिसीजन लो और कोई उसको अपोज ना कर सके, अपना कार्यकाल अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ा दिए, ठीक है ना। 2013 में इलेक्टेड हुए थे जी, और उसके बाद उसका कार्यकाल के बारे में पता नहीं, मतलब क्या हो गया, अगर रिस्पॉन्सिबल नेता रहता तो 21 को टाइम फ्रेम में काम करके चले जाता, इधर का मैंडेट है कि नहीं देखता, ठीक है ना। मोदी जी कभी बोलते हैं कि नहीं 5 साल के बाद मैं आऊंगा, बोलते हैं, इक्वल का मैंडेट मांगने के। यही है डेमोक्रेसी का प्यारा चीज, कि जो जितना भी बड़ा लीडर हो उसको हर 5 साल में आना पड़ता है अपने मैंडेट के लिए, जनमत के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? एपेक का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। माउंट इटना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट इटना, ये बताओ कौन से कंट्री में है? ये तो अभी न्यूज में था, करंट अफेयर में तो उठा लिया हूं, लेकिन ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में, ठीक है, ज्योग्राफी का बुक। तो माउंट इटना बताओ कौन से कंट्री का है? फिलीपींस, वर्ल्ड के नक्शा में फिलीपींस, इटली कहाँ है? इंडोनेशिया, जापान तो जानते हो एशिया में, इंडोनेशिया भी एशिया में, फिलीपींस भी एशिया में, इटली कहाँ है? कहाँ? यूरोप में, यूरोप में, और वहां का जो एक माउंटेन रेंज है उसका नाम है माउंट इतना बस, ऐसे याद करो, क्या इडली खाओ, इतना इडली बस खाओ, ठीक है।
में ज्यादा मत ध्यान, ठीक है, याद करना। चलो ये नया चीज हुआ वो इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग। अब देखो जो हम लोग एपेक बोल रहे थे ना, एशिया पैसिफिक, तो एशिया पैसिफिक मतलब ये जो एशिया पैसिफिक है, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक मतलब ये आपका चाइना हो गया, ये जापान हो गया, ये कोरिया हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर क्या हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इधर साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अपना प्यारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अब क्या है? पूरा वर्ल्ड, पहले पूरा वर्ल्ड कहाँ पे काम करता था, कहाँ पे काम करता था, पूरा वर्ल्ड मतलब बोलने से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, वर्ल्ड बोलने का मतलब ऐसी हो जाता था क्योंकि वहीं का मीडिया चलता था, वहां जो होता था देखता था। अब क्या है, वो जो चीज है ना, वर्ल्ड का अटेंशन चेंज हो रहा है, कहां पे, वहां से जाके चेंज होके कहां पे आके एशिया पैसिफिक जो बोल रहे थे ना, एपेक, 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 एपेक में आ रहा है, एपेक में भी आ रहा है, प्लस इंडिया में भी आ रहा है। तो क्या हो गया, इंडिया में आ रहा है, तो अब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंडो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, और ये है कौन सा ओशन है, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। तो आपका जितना भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, जितना भी स्ट्रेटेजिकल गेम होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट 20-30-40 इयर्स क्या होगा, इंडो पैसिफिक के अराउंड है। एक साइड कौन रहेगा, अमेरिका वेस्ट रहेगा, ठीक है ना, कभी कभी इंडिया आ जाएगा, दूसरी साइड कौन रहेगा, चाइना। तो चाइना का डोमिनेंस को खत्म करने के लिए या फिर चाइना को कंटेन करने के लिए हम लोग क्या है, इंडो पैसिफिक का यूज कर रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक का डायलॉग होता है, और कौन सा कंट्री ने होस्ट किया है इंडो पैसिफिक का रीजनल डायलॉग, कौन सा कंट्री, इंडिया में, और कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में हुआ है, न्यू दिल्ली, बस आपको बताना चाहिए न्यू दिल्ली में ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ है। मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आपको पता ना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब जो इंडिया, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आस पास जितने भी कंट्री है सब इंडो पैसिफिक में आ गए, फ्यूचर यही पे, क्या पता चल के डेट में ऑफिसर बन के यहीं पे लड़ने के लिए जाऊं, अफगानिस्तान तो जा नहीं सकते, और क्या करोगे जाकर, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये शायद आपके टीवी में भी आ रहा होगा, टीवी में आ रहा था, सिक्यारा टनल, ये आ रहा था कि आप लोगों के टीवी में, कोई टीवी देखा था न्यूज में, हाँ, वो टनल तो ना कोलैप्स हो गया, बताओ अब बताओ, टनल कोलैप्स हो गया था, हो गया है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह चल रही है, कौन से स्टेट में, कोई बताएगा, गैस भी कर सकते हो, बढ़िया, उत्तराखंड, ठीक है ना, ये टनल, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आता है, जो न्यूज में है और उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और न्यूज हाईलाइटेड भी, ऐसे क्वेश्चन को उठाता है, और जगह का नाम याद होना चाहिए, टनल का नाम होना चाहिए उत्तराखंड, ठीक। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हाँ, ये तो कंस्ट्रक्शन चार नाम प्रोजेक्ट वगैरह में कुछ कर रहे थे, ये बताओ, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ये मूवी देखे हो, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर नाइन मिशन इज एसोसिएट विद विच कंट्री, बताओ, ट्रांसपोर्ट, ये स्पेस का क्वेश्चन है, किसका, स्पेस का, स्पेस का मतलब कि हाँ कोई रॉकेट होगा ये, ठीक है ना, वो सैटेलाइट या फिर कोई रोबोटिक डिवाइस को इंडिया से मतलब अर्थ से लेके जा रहा होगा, तो वही है इसमें कोई, या तो फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है स्पेस में, सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपना इसरो हो सकता है स्पेस में, इसरो है, और कौन सा है, नासा है, और कौन सा है, क्या, तो ये जो रॉकेट है ट्रांसपोर्टर नाइन रॉकेट मिशन जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, एक जाक्सा भी है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जाक्सा मतलब जापान का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना, तो ये कहाँ का है, स्पेसएक्स, ठीक है, स्पेसएक्स का जो फाउंडर का नाम कौन है, एलन मस्क है, ठीक है, और दुनिया का सबसे हेवी रॉकेट का नाम बताओ क्या है, सबसे बड़ा रॉकेट बाहुबली सभी ऊपर, हम लोग का बाहुबली कौन सा है, हम लोग का बाहुबली को किस कौन सा रॉकेट को बोलते हैं, जीएसएलवी मार्क, क्या छोड़ेंगे, सुने कौन सा यान छोड़ेंगे, गगनयान, ठीक है, गगनयान छोड़ेंगे, जिसमें क्या है
तो वैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा जो रॉकेट है जिसमें जिसमें से हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो उसका नाम क्या है, ये याद कर लो, इसको लिख लो, फाल्कन 9। फाल्कन क्या होता है, कोई जानते हैं फाल्कन? हाँ वर्ड है, बहुत ज्यादा ऊपर तक उड़ता है, फाल्कन 9। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट 9 मिशन लॉन्च किया है, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाल्कन 9। नेक्स्ट, एक चीज बहुत ज्यादा न्यूज में थी, एक खीर सिटी बोल रहे थे, एक खीर सिटी का मतलब आप बोल सकते हो इनिशिएटिव है जिसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कराना चाहते हैं, पैसा बहुत ज्यादा, तो खीर सिटी है वो कहाँ के लिए है, कौन सा स्टेट वाले ने इनिशिएट किया है ताकि उसका जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पैसा लगाए। गिफ्ट सिटी सुने, गिफ्ट GIFT, ओ गिफ्ट सिटी सुने हो, अरे यहाँ पे ही तो स्टेडियम है, ठीक है, गिफ्ट सिटी में स्टेडियम अभी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, अहमदाबाद में जो है गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, कौन बीजेपी, तो कांग्रेस वाले ने बोला कि हम भी बनाएंगे कुछ अच्छा, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है, खीर सिटी, कौन बना रहा है, ठीक है ना, कर्नाटका में कौन है, कर्नाटका का सीएम, तो कर्नाटका में खीर सिटी बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, कांग्रेस वाले, मतलब कांग्रेस के है ना, INC है, कांग्रेस जीता है ना, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसको लिख के रखो, ठीक है, चलो एक व्यक्ति है, इनका नाम जानते हो, इसका नाम मुझे भी पहली बार पता, कार्लो रोवेल्स, ये व्यक्ति है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए है, ठीक है ना, लगभग 20-30 साल से काम कर रहे हैं, हमको आज पता चला, ठीक है ना, क्या पता दुनिया का उत्पत्ति कैसे हुआ है, यूनिवर्स का बॉर्न कैसे हुआ है, साइंस वाले हो सब बताओ दुनिया कैसे बना, दुनिया का कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बनता है, कौन सा थ्योरी बोलते हैं इसको, है बिग बैंग थ्योरी, सुने अचानक एक्सप्लोड होता है, हाई डेंसिटी सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टार बनता है, गैलेक्सी बनते हैं, स्टार बनते हैं, फिर प्लैनेट बनते हैं, फिर अर्थ बनता है, अर्थ में लिथोस्फीयर बनता है, उसके बाद लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, सॉइल बनते हैं, फिर वाटर में क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, स्टार जैसे हम लोग का लाइफ है, हम लोग भी मर जाते हैं, वैसे गैलेक्सी और स्टार जो भी है यूनिवर्स के, वो लोग भी जन्म लेते हैं और मरते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट दिया था क्या, ब्लैक होल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ब्लैक होल वो पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, हाइट ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो स्टार कई बार इस टाइप का डेथ होता है, कई बार नेबुला के इस टाइप में डेथ होता है, कई बार ब्लैक होल में जाके अंदर घुस जाता है, पता नहीं चलता कहां चले गए, ठीक है, तो ये जो है ना कार्लो रोवेल्स है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये है ब्लैक होल तो सब सुने, लेकिन इन्होंने व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना, व्हाइट होल के हिसाब से क्या है कि वो जगह जहां पे क्या होता है स्टार या फिर यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, फिजिसिस्ट, ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, डॉक्टर रोबिल, इनका डेथ हो गया है, डेथ के बाद मुझे पता चला कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट भी थी, ठीक है ना, होता है, चलो ये बहुत बड़ी बेहतरीन चीज है, अभी क्या बना रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल ईयर आप क्या बना रहे हैं, मोदी जी बार बार बोल रहे थे, अभी हम लोग G20 में बहुत जगह पे हम लोग ने क्या किया है, सुपर फूड का नाम सुने, आजकल सुपर फूड चल रहा है बहुत ज्यादा, मिलेट्स, वेरी गुड, तो हु इज द सिंगर ऑफ एबंडेंस इन मिलेट्स, एक गाना बना है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है,
ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, वो उस गाने को कौन से सिंगर ने गाया है? गैस कर सकते हो? हैं? उदित नारायण, आशा भोसले, शंकर महादेवन, फाल्गुनी साहब, ठीक है, कौन हो सकता है? ऑप्शन टिक कर दिया। हाँ, कौन सा? सर, ए लॉक कर दिया। ए लॉक कर दिया, ये सही है, फाल्गुनी साहब, ठीक है। आपको क्या याद करके रखना है? आपको एग्जाम के लिए क्या याद करके रखना है? हाँ, क्या याद करके रखना है कि अभी 2023 को क्या बना रहे हैं हम लोग? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट का मतलब क्या होता है जानते हो? कोई खाया है मिलेट? सर एक वो है, चावल के जैसा है, चावल के जैसे छोटा छोटा रहता है वो, दो कुटकी बोलते हैं, ठीक है सर, वो बहुत ही ज्यादा सुपर फूड होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सुपर फूड, मतलब क्या, किसी को खाने वाने का मन नहीं कर रहा है ना, उसको खा लो, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा बढ़िया। और मिलेट का और क्या खासियत है? सो पानी कम अब्सॉर्ब करता है, पानी कम अब्सॉर्ब करता है। और क्या खासियत है मिलेट का? और क्या है? क्या हाई न्यूट्रिएंट्स है, सुपर फूड बोलते हैं, शक्तिमान बन जाओगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, पता है ये वाला क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ओ, भारत सरकार के कितने डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री कितने सारे हैं भारत सरकार के? लगभग लगभग कितने डिपार्टमेंट होंगे, मिनिस्ट्री कितना होगा? ओ, इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसको संभालने के लिए सरकार कितने सारे मिनिस्ट्री बना के रखा होगा? अरे 23 में हो जाएगा, आई वांट 50 प्लस है भाई। तो ये बताओ, एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनाया है, ठीक है ना, 2023, ये कौन सा मिनिस्ट्री ने बनाया होगा? एक इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए आपको कोई दिमाग नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना। तो क्या है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी होगा कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होगी, होम मिनिस्ट्री होगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स? चलो मेरे को कौन बताएगा, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर। उसके बाद क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ये। तो क्या है कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्यों रखा हूं कि ये दिखाने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है किसमें, एनडीए में, एनडीए यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाँ मिलिट्री के कोई भी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ लेता है, इसने कौन सा न्यू इनिशिएटिव किया है, ये कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, ये कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, ये कौन सा पॉलिसी लॉन्च किया है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो चलो ये बताओ, ये बहुत ज्यादा न्यूज में सर का पूरा मोदी जी ने इसी का एक अच्छा कैंपेन किया है, एक लेडी बहुत ज्यादा न्यूज में फेमस हो गई है, एक एथिक, लोकसभा में एथिक्स कमेटी होता है, ठीक है ना, वो एक मेंबर है, उसको क्या है उसके पार्लियामेंट में कैश फॉर क्वेरी के मामले में, कैश फॉर क्वेरी मतलब लोकसभा राज्यसभा में संसद में होता है ना, बैठते हैं तो क्या होता है क्वेश्चन पूछते, तो एक मेंबर ने मेंबर के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि ये ना क्वेश्चन पूछने के लिए ना पैसा लिया, ठीक है ना, तो ये कौन महोदय है, कौन है, उसका नाम क्या हो सकता है? नहीं नहीं, मैं बोला था एक लेडी है टीएमसी की, उनके ऊपर चार्ज लगा था, अपार, आप लोग को पार करने के लिए स्कीम बनाया है, ठीक है ना, अपार ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा लगा क्वेश्चन, ये अपार जो है न्यूज में है, इज अ रजिस्ट्री एसोसिएटेड विद बीच फील्ड, अपार
इतना टैलेंट होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर इतना कॉमन सेंस नहीं है ना, बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। आपको ले बोला ना तो ये पता लगना चाहिए कि अपार कुछ है पार करने के लिए। इतना हिंट देने से हमको पता चल जाना चाहिए कि एकेडमिक्स है, ठीक है। अब क्या होगा पता है, अब के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आएंगे तो उन लोग का एक आईडी बनेगा, एक डिजिटल आईडी बनेगा, उसमें बचपन से लेके जब तक ग्रेजुएट करोगे तब तक का मार्कशीट पूरा अपलोड रहेगा। हर टाइम में कौन सा परफॉर्म किया है, बढ़िया, तो अपार है, ठीक है। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री, ये कौन सा मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और उस अपार का फुल फॉर्म भी क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी कि किसी को भेजना है अपने बारे में तो आपका पूरा एकेडमिक जो है रिजल्ट वगैरह एक जगह पे मिल जाएगा। ये आईडी को भेज, ये आईडी को भेज दोगे तो बोलेगा कि सब दिख जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ट्रिक नहीं कर सकते भैया, फ्यूचर में आप ट्रिक नहीं कर सकते, समझ रहे ना। पीछे जाके जब मार्क्स बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना, आप लोग नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना, कि हाँ मेरा इतना नंबर है। नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन, ठीक है। ये बताओ इंडियन नेवी, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, गेस करके बना सकते हो। ये क्वेश्चन को तो आसानी से गेस कर सकते हो, बताओ गेस करो। बॉम सागर, चलो ये इस बॉम सागर जो एक्सरसाइज किया है इंडियन नेवी का, कौन से कंट्री के साथ, गेस। बॉम सागर बांग्लादेश बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कॉमन सेंस जानने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और हम लोग का जो बांग्लादेश के साथ जो हम लोग का नेवी का जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है, वॉरपेन, ठीक है, ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे हाँ ये उस दिन बोल रहे थे ना सर, चैट जीपीटी क्या कर सकता है, चैट जीपीटी एक नया रोबोटिक सीईओ, एक कंपनी का रोबोटिक सीईओ पहला जो बना है उसका नाम क्या है, पढ़े थे तो इसका आंसर सही है, माइका, जो वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सीईओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब क्या है कि जो पूरा कंपनी को संभालने का काम भी अब कौन कर रहा है, रोबोट। तो सर ने एक जो क्लास नहीं लिया था आप लोग का चैट जीपीटी का, वो सही होते जा रहा है इधर में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये फ्यूचर, फ्यूचर इज एयर टैक्सी, मतलब यहाँ से मेरे को घर जाना है ना, आज के 10 साल के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से ऊपर में बैठू, सब छत के ऊपर में जाऊँ, एयर टैक्सी पकड़ू, घर पहुंचू, वहां पे उतरू, ठीक है ना। ये उबर ने भी करना, उबर ने भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया मुंबई वगैरह, ठीक है ना, सिंगापुर वगैरह में सब कुछ। तो इंडिया में कौन सा कंपनी ये काम कर रहा है, उबर टैक्सी, ठीक है। तो एक जो कंपनी है यूएस बेस्ड आर्चर एविएशन इज ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की सर्विस किसके साथ किया है, कौन से इंडियन कंपनी के साथ किया है, इंटर ग्लोबल एंटरप्राइज, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।